अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द होप 706। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर हम करने जा रहे हैं वो एमए इंग्लिश पार्ट टू का जो मॉडर्न ड्रामा है उसका ड्रामा नंबर 5 है। आज हमारे पास लास्ट ड्रामा है, आज हमारी मॉडर्न ड्रामा है एमए इंग्लिश पार्ट टू की जो सीरीज है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने जा रही है। वेटिंग फॉर गॉडो। वेटिंग फॉर गॉडो इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्ले इन एमए इंग्लिश पार्ट 1-2। मैं दोनों में ये समझता हूँ कि ये जो है ना एक कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट प्ले है बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन द थिएटर ऑफ एब्सर्डिज्म। बिफोर स्टार्टिंग दिस प्ले यू वुड फ्यू पीपल यू नो जस्ट want to learn about what is absurdism. Students, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चूंकि बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है वो होपलेसनेस का शिकार हो गए थे, तो बैकेट ने स्टैमिन बैकेट ने जो ये प्ले लिखा तो उसने एक नई तर्ज की, एक नई नया थिएटर ईजाद किया चूँकि उस वक्त थिएटर में परफॉर्म होते थे प्ले, तो उस वक्त उसने एक नई टर्म ईजाद की जिसको मार्टिन कॉल्स ने मार्टिन ने कहा कि ये थिएटर ऑब्जर्व है। इन दिस थिएटर दैट लाइफ हैज नो मीनिंग, लाइफ यू नो हैज नो पर्पस, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। वी जस्ट कम हियर टू लिव ऑन, हम सिर्फ आ रहे हैं और अपना वक्त गुजारा करके जा रहे हैं। इस पे जो डिफरेंट वेडिंग फॉर गॉडो पे करेक्टर लिए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट थीम्स, करेक्टर्स, राइटर को डिस्कस करेंगे। एब्सर्डिज्म क्या है मैंने आपको बता दिया है, तो आइए राइटर से का जो आगाज करते हैं। सैमुअल बेकेट को इसने लिखा है, ही वाज यू नो बॉर्न इन 1906 एंड डाइड इन 1989। बेसिकली ही वाज एन आयरिश नॉवलिस्ट, पोएट एंड थिएटर डायरेक्टर, बट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज लिव्स ही लिव्स इन यू नो फ्रांस, दैट्स व्हाई ही रोट दिस नॉवल, सॉरी दिस ड्रामा वेडिंग फॉर गॉडो इन फ्रेंच इंग्लिश, इसने फ्रेंच इंग्लिश में इसको लिखा था। तो इसका जो की फैक्ट्स हैं जनरा देखते हैं स्टूडेंट्स। जनरा में एब्सर्डिस्ट है, फिक्शनल है, ट्रेजाइड कॉमेडी है, कॉमेडी भी है, ट्रेजिक भी है। ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी फ्रेंच इंग्लिश है और इसको बेस्ट वर्क 1953 में वेडिंग फॉर गॉडो ही करार दिया गया और ही वॉज ऑल्सो यू नो विनर अर्न नोबल प्राइज इन 1969। ये तो स्टूडेंट्स हो गया इसका टोटल सम एंड सब्सटेंस इसके की फैक्ट्स का। वेडिंग फॉर गॉडो इटसेल्फ हैज मच सिग्निफिकेंस, द टाइटल हैज मच सिग्निफिकेंस, वेडिंग फॉर गॉडो, यू नो वेडिंग फॉर गॉडो किसके लिए वो वेट कर रहे हैं, हु इज गॉडो, गो एंड डू इट या गॉड इट या गॉडो मीन गॉड, Godo here mean, you know, God mean Jesus Christ, right? So there are two characters, the main characters which I have told you, you know, later on. They are waiting for Godo and they talk about meaninglessness, meaningless things. They are just wasting their times. They are waiting for someone. ठीक है, या मैं बाद में पता चल जाएगा किसका वेट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या करता है राइटर, the hopelessness in Vladimir and Stregar, these are two most important characters in the play, lives demonstrates the extent to which humans rely on illusions, humans jo hai wo illusions to believe karta hai, rely karta hai, such as religion. Beckett kya kehta hai, according to Beckett these lines are very important to give hope to a meaningless existence. Hamari jo meaningless existence hai iska koi जो है अमल दखल नहीं है, हम बेफजूल जिंदगी गुजार रहे हैं उसको मीनिंग दें, बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। एब्सर्डिज्म के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे मैं आपको जो इसके मेन करेक्टर हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। इससे पहले ये थोड़ा सा रेज हो गया था, मैं ठीक कर दूँ जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आइए हम मेन करेक्टर देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास करेक्टर है एस्ट्रेगन का, एस्ट्रेगन भी इसको बोलते हैं, एस्ट्रागन भी बोलते हैं बेसिकली। एस्ट्रागन इज समहाउ वीक एंड हेल्पलेस, वीक एंड हेल्पलेस स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिचुएशन वीक एंड हेल्पलेस की, ह्यूमन कंडीशन की जो वीकनेस है वो दिखाई गई है।
ही ऑलवेज बेसिकली ही वाज हेल्पलेस मीन ही वाज ऑलवेज रिलाई ऑन अदर्स वी आर ऑलवेज रिलाई ऑन अदर्स ही ऑलवेज लुकिंग फॉर लैटिनस हेल्प दूसरे की मदद उसको चाहिए होती है ही आल्सो हैज हैड अ पुअर मेमोरी उसकी मेमोरी बड़ी वीक है एज व्लादिमीर हैज टू रिमाइंड हिम व्लादिमीर जो उसका दोस्त है दूसरा कैरेक्टर वो उसको याद करवाता है व्लादिमीर कॉल स्ट्रेगन स्ट्रेगन गोगो इसका नाम निकनेम है गोगो व्लादिमीर इसके बाद एक कैरेक्टर हमारे पास सेकंड स्ट्रेगन कॉल्स हिम डिडी वो गोगो है ये डिडी है ये देखिए और स्टूडेंट्स एंड द बॉय एड्रेसेस हिम एज मिस्टर एल्बर्ट इसको मिस्टर एल्बर्ट भी जो है बुलाता है व्लादिमीर इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिस्पॉन्सिबल था देर आर another two characters that are also very important or इन्हीं के through ये वो human की existence है जो गंध है वो दिखाया गया पोजो ही passes by the place where Vladimir and Stefan are waiting यहाँ पे wait कर रहे होते हैं wait किसका wait कर रहे थे गॉडो का lucky he was पोजो slave ये पोजो का slave होता है गधे की तरह उसको गधा बनाया होता है उसका जो है ना सामान होता है Who carries Pozo bags and stool? उसकी चीजें को जो लेके आता जाता है। Boy है ही। इसके बाद एक character ही इसका messenger of Godo के मैस जो Godo है वो कोई shepherd है, ठीक है? तो उसका messenger जो boy है वो कह रहा है, वो भी उनको ये message देने आया है कि जो है ना just wait. Godo maybe they talked about Jesus Christ, उसकी crucifixion जो ही, ठीक है? उसके बारे में बात कर रहा है या किसी और चीज के बारे में बात कर रहा है। अब आइए मेन स्टोरी की तरफ समरी इसकी जो डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स के इसके अंदर क्या हुआ यहाँ मैं लिख देता हूँ समरी इसको कह रहे हैं या जो प्ले के अंदर हुआ उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन फिर हम उसको डिस्कस करने के बाद जो है वो थीम के बारे में बात करेंगे समरी स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होता है There is a place, एक place होती है वहाँ पे स्ट्रगन गोगो और डीडी स्ट्रगन और व्लादिमीर बैठे होते हैं और वो कहता है कि तुमने कभी बाइबल पढ़ी है तो वो कहता है कि बाइबल तो मैंने पढ़ी है लेकिन मुझे चीज़ें कुछ याद नहीं जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं तो उसको चीज़ें याद नहीं रहती तो उसमें किसी चैप्टर का वो जिक्र करता है कि ये चैप्टर तुम्हें याद है तो वो कहता है कि नहीं याद तो कहते हैं कि चलो अब हम बहुत सारा टाइम यहाँ पे वेस्ट कर चुके हैं यहाँ बैठे हैं कब से बैठे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं किसका वेट कर रहे हैं कहते हैं नहीं रुको वी जस्ट हैव टू स्टे हियर वी आर वेटिंग फॉर गॉडो राइट गॉडो मीन जीसस क्राइस्ट कोई मसीहा आएगा और हमें होप दे के जाएगा और हम हमारी जिंदगी को बेहतर कर सकेंगे अपनी ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है उसको बेहतर कर सकेंगे फिर थोड़ी सी आगे चलते हैं तो ये बातें करते रहते हैं बेफजूल इधर उधर की फुलिशनेस बेसिकली ऑब्जर्व थिएटर के अंदर स्टूडेंट्स के जो ऑब्जर्व थिएटर के अंदर ये जो फुलिशनेस है फ्रिवॉलिटीज हैं यही ऑब्जर्डिज्म है कि जो थिएटर में लोग बैठे हैं उनको ये लगेगा कि ये सारी फजूल चीजें जा रही हैं जैसे ही वो छोड़ के जाना चाहेंगे वैसे ही इसके अंदर इस तरह का थ्रिल आएगा कि ऑडियंस को ये लगेगा कि कुछ होने लगा है अभी कुछ होने लगा है अभी कुछ होने लगा लेकिन टिल द एंड तक इस प्ले के एंड तक कुछ भी नहीं होता दे आर जस्ट वेटिंग 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 एंड वेटिंग ठीक है इसके बाद कैरी ऑन इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स वहां पे एक किरदार आता है पुजो का और लकी का ये देखता है कि लकी जो है वो डंकी बना हुआ है गधा बना हुआ है और पुजो का जो वो स्लेव है तो जो एस्ट्रोवन है उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है पुजो पे कि ये इसने इसको क्या बनाया हुआ है लकी पे लकी को जो है वो लकी पे पिटी आती है उसको रहम आता है कि ये इस पे कोई रहम करे तो वो उसको कहता भी है कि तुम मेरी चीजें बोझ ये वो चीजें ना उठाओ वो जो अगर लकी कहता है कि नहीं मुझे तुम्हारा काम करके जो है वो मजा आता है और मैं ऐसे ही रहूंगा तो बेसिकली लकी के थ्रू सैमुअल बेकेट ने ह्यूमन जो कंडीशन है उसको दिखाया है कि इंसान किस तरह जो है वो झुका हुआ है और गधों की तरह हर वक्त काम करता रहता है इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है सुबह उठा शाम तक रात तक काम 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 और कोई जिंदगी का वजूद नहीं है आया खाया पिया काम किया और चला गया इस दुनिया से चला गया और स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ह्यूमन की जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई इसी पे बेसिकली ये एक क्रिटिसिज्म है तो स्टेगन जो है वो पोजो को कहता है कि तुम जो है इस पर रहम खाओ
ठीक है, और उसके साथ कुछ बातें करता है और लकी को लेके जो है वो वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद स्ट्रगल करते हैं व्लादिमीर को, व्लादिमीर चलो हम भी यहाँ से चलते हैं। व्लादिमीर कहता है नहीं, पहले कहता ठीक है चलो, फिर कहता नहीं रुको हम यहाँ पे भी ठहरेंगे, हो सकता है कि कोई आ जाए, ठीक है तो कल आएगा। एक लड़का वहाँ पे आता है बॉय, वो कहता है मैसेंजर होता है गॉड का, इनको लगता है कि ये मैसेंजर है, बेसिकली मैसेंजर नहीं है। तो कहता है कि यू जस्ट स्टे हियर, मे बी द गॉड विल कम टुमारो, ठीक है। दो तीन दफे ये प्ले के अंदर आता है, दो तीन एक्ट के अंदर, के मैसेंजर वन और मैसेंजर टू, मैंने यहाँ पे वन का जिक्र किया है, मैसेंजर टू भी आता है, वो भी जो है ऑप्शन देके जाता है कि कल को जो गॉडो आएगा और आपका जो है ना वो मसला हल करेगा, या जो भी आपकी प्रॉब्लम, आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने सर ले लेगा। फिर वो कहता है कि बातें करते करते इनको याद आता है, कहता है कि तुम्हें याद है कि जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफिकेशन उनकी की गई थी तो दो चोर डकैतों को भी उनके साथ क्रूसीफाइड कर दिया गया था। वो कहता नहीं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, कि ये मैंने सुना नहीं है कहीं पे ऐसा शायद हुआ हो। तो कहता है कि नहीं ऐसा हुआ है तो तुम पढ़ना या याद करना, तो ये बात भी साथ इंक्लूड होती है इसके अंदर। तो खैर इसके बाद फिर वेटिंग 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 वेटिंग, प्ले के एंड तक सिर्फ वेटिंग है, और यही बात है कि द जीसस विल कम मंडे, एक दिन आएगा या कल आएगा। जीसस में यानी होप आएगी, बेसिकली मतलब क्या है कि होप मिलेगी इंसान को, इंसान उठेगा। टीएस एलियट को जब आप पढ़ते हैं उसी में भी यही चीज़ें आपको नजर आती हैं, स्पेशली जब उसकी पॉइंट पढ़ते हैं डिपार्चर लेवल या द बेस लैंड, उसकी जो बड़ी मशहूर है ठीक है पॉम टीएस एलियट की, तो उसमें भी यही बताया गया। प्ले का यहाँ पे इख्तिताम होता है, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट जो है थीम्स हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म है। हेडा गर्ल में हमने जब पढ़ा था कि हेडा वॉज एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर, इन 21st सेंचुरी पीपल्स आर एग्जिस्टेंशियल डेस्पेयर, हमें पता ही नहीं है कि हमने क्या करना है। तो वो कहता है कि वी जस्ट नो अबाउट इट, ठीक है हमें जानना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी भी है सॉरेन किर्केगार्ड की और सार्टर की, तो उस पर भी इस पर बहस कर सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही बनता है, इसका इंपॉर्टेंट थीम भी है। इसमें एब्सर्डिज्म है, क्योंकि एब्सर्ड थिएटर पे एब्सर्डिज्म पे ये प्ले बनाया है सारे का सारा, तो इसलिए जो है कि लाइफ हैज नो मीनिंग, लाइफ हैज नो पर्पस। ट्रेजिक कॉमेडी है कि ट्रेजिक भी है और कॉमेडी भी है, कॉमिक भी ये हरकतें जिस तरह करते हैं, रिडिकुलस और ट्रेजाई इस तरह से है कि आप देखें कि दे आर जस्ट वेटिंग 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 एंड वेटिंग। द ह्यूमन एग्जिस्टेंस है यहाँ पे दात है, द ह्यूमन कंडीशन है सॉरी, कि इंसान की जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही है दिन ब दिन, दिन ब दिन उसको इसके बारे में सोचना होगा। मेहरिज्म है नहीं मानने वाली, ठीक है। रिलीजन पे बेस करता है, ठीक है, कि लोग जो है वो एलूजन पे रह रहे हैं और स्पेशली जो है रिलीजन को बहुत फॉलो करते हैं। इसके बाद फ्रेंडशिप पे है, फ्रेंडशिप चूँकि एस्टेगोन और व्लादिमीर का आपने करेक्टर देखा, पुजो और लकी का करेक्टर देखा, दे आर यू नो सो मच अटैच विद ईच अदर। तो स्टूडेंट्स ये टोटल सम एंड सब्सटेंस है हमारे आज के प्ले का, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यही हैं, थीम्स भी यही हैं। अगर प्ले के एंड में अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है या कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरे सोशल मीडिया पर भी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी, मैं वहाँ पे आपको आंसर करूँगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।